दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि योनो लाइट SBI से FD को कैसे बनाया जाता है, फिक्स डिपॉजिट कैसे किया जाता है। इस वीडियो में आपको हम डिटेल में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं FD क्या होता है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट क्या होता है। जैसे कि आपके पास 10,000 या 20,000 रुपया पड़ा हुआ, अगर उसका फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो बैंक आपको ब्याज देता है वो 10,000 रुपये पे। तो हालांकि आप जो है 1,000 से लेकर 10 लाख तक आप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास, उदाहरण के तौर पे समझते हैं, अगर आपके पास 10,000 रुपये है, अगर आप 10,000 का फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो बैंक आपको जो है उस पर ब्याज देता है। तो समय के अनुसार से ब्याज देता है, और वो ब्याज जो है आपका, अगर एक साल के लिए करते हैं तो 5% से ऊपर भी हो सकता है, जो कि नॉर्मल सेविंग अकाउंट से काफ़ी ज़्यादा होता है। बैंक आपको ब्याज देता है उस पैसे पे जो आप 10,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट किए हैं। तो ब्याज लेके आप जो है अच्छे खासे कमाई भी कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट बना के। अगर आप योनो SBI इस्तेमाल करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दिया गया है किस तरह से फिक्स डिपॉजिट बनाया जाता है। अगर आप योनो लाइट SBI इस्तेमाल करते हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखते रहिए, आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको योनो लाइट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। मैं लॉगिन करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ई डिपॉजिट का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए ओपन फिक्स डिपॉजिट, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ऐसा करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे 1,000 से लेके करीब आप 10 लाख तक आप FD बना सकते हैं। इसके बाद इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट दिखाया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नेट बैंकिंग का पेज खुल चुका है, तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं। इसके बाद दो ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, ESTDR और ETDR। तो यहाँ पे जब आप ESTDR पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ इंटरेस्ट रेट पेड एट मेच्योरिटी। तो जब आपके पैसे का मेच्योरिटी पूरा हो जाएगा, मान के चलिए आप एक साल के किए हैं, तो अगर वो मेच्योरिटी पूरा हो जाता है, एक साल पूरा हो जाता है, तो उसी के साथ आपको जो है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे आप क्लिक कर देते हैं। और दूसरा ऑप्शन है ETDR। ETDR का ये मतलब होता है अगर आपको मंथली या क्वार्टरली चाहिए तो आप यहां पे आप क्लिक कर सकते हैं, आपको इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। बाद आप यहां पे देख सकते हैं टेन्योर ऑफ डिपॉजिट, तो यहां पे ईयर और मंथ है और मेच्योरिटी है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ईयर और मंथ, तो हम यहां पे एक साल के लिए यहां पे कर देते हैं, और मंथ में यहां पे हम जीरो कर देते हैं, और डे में भी जीरो कर देते हैं। ऐसा करने के बाद नीचे में आपको तीन ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन ये है ऑटो रिन्यूअल प्रिंसिपल एंड रीपे इंटरेस्ट। इसका ये मतलब है जैसे कि आपका प्रिंसिपल जो अमाउंट है 2,000 रुपया, वो ऑटो रिन्यूअल हो जाएगा, और आपका जो इंटरेस्ट जो 2,000 का बना होगा एक साल में, वो आपको दे दिया जाएगा आपके खाते में। और दूसरा ऑप्शन ये है रीपे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रेट, तो आपके खाते में जो आपका 2,000 है और उसके साथ जो ब्याज मिला है आपको, वो आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा आपके खाते में। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है ऑटो रिन्यूअल प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रेट, तो इसका कहने का ये मतलब है आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी रिन्यूअल हो जाएगा, उसके बाद जो आपका इंटरेस्ट रेट मिला है 2,000 का, वो भी रिन्यूअल हो जाएगा। दोनों को मिला के आपका कंटिन्यू FD आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम बीच वाला सेलेक्ट करेंगे, रीपे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रेट, ताकि जो एक साल मेरा पूरेगा उसके बाद यहाँ पे जो है मेरा पैसा और उसके जो ब्याज बना है सारा का सारा मेरे खाते में आ जाएगा। इसके बाद टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद सबमिट वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। ऐसा करने के बाद आपके सामने में एक कन्फर्मेशन पेज आएगा, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, 5.3% के हिसाब से आपको मिलेगा, और मेच्योरिटी होने के बाद आपका कितना पैसा होगा वो भी आपको दिखाया जा रहा, और किस डेट को आपका मेच्योरिटी होगा वो भी यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो वो भी आपका यहाँ पे दिखाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नॉमिनी भी आपका दिखाया जाएगा। बाद यहाँ पे आप कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे, और ऐसा करने के बाद आपके सामने में आप देख सकते हैं कि ये जो है FD जो है बन जाएगा। यहाँ पे आपका जो है FD बन चुका है, तो यहाँ पे हम ओके वाले पे क्लिक कर देंगे। और ओके वाले पे क्लिक करने के बाद चलिए हम बैक आते हैं। अगर आपको किसी कारण बस इस 2,000 रुपये का ज़रूरी पड़ जाता है, अगर आप FD को क्लोज करना चाहते हैं, हालांकि आपने एक साल सेलेक्ट किया होगा या दो साल या तीन साल, तो अगर आप उस बीच में क्लोज करना चाहते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं किस तरह से क्लोज करना है। तो यहां पे देखिए परमानेंट क्लोजर पे आप क्लिक करेंगे, जैसे कि जो भी आप FD बनाए होंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका 2,000 का ये अवेलेबल बैलेंस था, और 2,000
5000 का आपने एफडी बनाया था। तो यहाँ पे रिमार्क आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, उसके बाद क्लोज वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद कंफर्म वाले बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा और ओटीपी इंटर करने के बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्लोज सक्सेसफुली, तो यहाँ पे आपका क्लोज भी हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप जो है एफडी को योनो लाइट एसबीआई में एफडी को बना सकते हैं और किस तरह से आप जरूरी पड़ने पे पैसे पे किस तरह से आप क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप योनो लाइट एसबीआई में एफडी को ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलते हैं किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।